आपका स्वागत है। आज हम बाजार अहमदपुर बाजार में आ चुके हैं। यहाँ त्योहारी सीजन है तो आप देख सकते हैं किस तरीके की बाजार में रौनक लगी हुई है। हर एक दुकान पर महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं, जमकर यहाँ पे दुकानदार है अपनी दुकानों का संचालन कर रहे हैं। तो हम आइए जानते हैं कि किस तरीके से हमारे भारतीय समाज में करवा चौथ का क्या महत्व है और किस तरीके से महिलाएं इस व्रत को रखती हैं और किस तरीके से पर्व को मनाती हैं। आइए हम जानते हैं, कुछ महिलाओं से देखते हैं कि किस तरीके क्या उत्सुकता है उनकी इस त्यौहार को लेकर के और महंगाई के समय में किस तरीके से अपने त्यौहार को वो मना रही हैं। आंटी जी नमस्ते, जरा आप बताएंगे कि करवा चौथ क्या त्यौहार है? देखिए जैसा कि ये पत्नी बता नहीं पा रही हैं, कहीं ना कहीं संस्कारों में फर्क पड़ता है। करवा चौथ क्या है करवा चौथ ये भी नहीं बता पा रही है करवा चौथ क्या है। चलिए आइए हम किसी और से पूछते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके का माहौल है बाजार में। दादी करवा चौथ क्या है? किसी को नहीं पता। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बूढ़ी बड़ी दादी हैं, इनको भी नहीं पता कि करवा चौथ का त्यौहार क्या है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से। आंटी बात सुनो, कोई नहीं बताने को तैयार नहीं है। एक सेकंड, हम और किसी से पूछते हैं कि आगे करवा चौथ क्या है और क्यों मनाई जाती है। कोई देखते हैं कौन बताता है हमें। आइए हम देखते हैं, इधर देखते हैं, इन आंटी जी से पूछते हैं। आंटी जी नमस्ते, आंटी करवा चौथ क्या है? क्या है करवा चौथ? क्या है करवा चौथ की खरीदारी कर रही है ना आप, तो करवा चौथ क्या है? देखिए संस्कारों पर फर्क पड़ रहा है, ये देख सकते हैं कि कोई भी नहीं बताने को बता रहा है कि करवा चौथ क्या है। ये परंपराओं को ढो रही है केवल, लेकिन नहीं बता रही है। हम नहीं कुछ इस चीज़ का महत्व नहीं जानते कि क्या चीज़ है करवा चौथ, क्यों मनाते हैं, क्या क्या चीज़ है। आंटी जी नमस्ते, आप बताएंगी करवा चौथ क्या है? आंटी बताएंगी? क्या बताऊं, करवा चौथ क्या है? देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि वही चीज़ लगातार देखने को मिल रही है। कोई भी महिला अब आज के समय में ये नहीं बता पा रही है बदलते परिवेश में कि करवा चौथ क्या है, आखिरकार की करवा चौथ क्यों मनाई जाती है। आइए देखते हैं, हम कुछ दुकानदारों से पूछते हैं कि इन भैया लोगों से ही पूछते हैं, आखिरकार इनकी पत्नियां भी इनके लिए व्रत रखती होंगी, तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि करवा चौथ क्या है। आप बताएंगे करवा चौथ क्या है? करवा चौथ लेडीज इसलिए मनाती हैं क्योंकि उनकी पतियों की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, इस पर्व को इसलिए मनाती हैं वो। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं नहीं बता पाई कि करवा चौथ क्या है, जबकि वो खुद स्वयं व्रत रखती हैं, लेकिन यहाँ बाजार में किस तरीके की भीड़ है और यहाँ पे काफी तादाद में महिलाएं हैं जो करवा चौथ की शॉपिंग कर रही हैं, करवा चौथ के लिए खरीदारी अपने श्रृंगार का सामान ले रही हैं जो नारी का सुहाग का प्रतीक होते हैं। तो जाइए जानते हैं कि कुछ महिलाओं से कि उन्होंने क्या क्या खरीदारी करी है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, आपने क्या क्या खरीदारी करी है करवा चौथ? जो करवा चौथ पे सुहाग का सामान होता है तो सभी मतलब पूरा चाहिए, तो सब कुछ लिया है हमने, मतलब सिंदूर वगैरह है, पायल हैं, चूड़ियाँ हैं, साड़ी सब कुछ। तो आंटी एक बात बताइए, आज के जमाने में इतनी महंगाई है और क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है कुछ टाइम पहले और इतनी महंगाई हो गई है और ये ऊपर से ये त्यौहार आ रहे हैं, तो ये त्योहारों को आप किस तरीके मतलब किस तरीके से मैनेज कर रही हैं, अपने खर्चों को किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? ये हर साल की तरह नहीं है पर फिर भी मतलब सही से हो रहा है, मैनेज कर रहे हैं, क्या करें जो भी मुसीबत है, पर लेकिन हर साल की तरह इस बार त्यौहार वैसा नहीं है। आपने कोई करुए वगैरह भी खरीदे होंगे? अभी तो नहीं, पर लेकिन थोड़ा यहाँ पे मेकअप का सामान लेने आई हूँ, साड़ी वगैरह सब कुछ। जैसा कि आइए अब हम देखते हैं अंदर दुकान में महिलाओं से पूछते हैं कि किस तरीके की क्या क्या खरीदारी वो कर रही हैं। हाँ बहन जी, आंटी जी क्या क्या खरीद लिया आपने? लो ये खरीद लिया, सब सामान ले लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस तरीके का यहाँ पे सुहाग का सामान महिलाओं ने खरीदा है जो उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। करवा चौथ के दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और किस तरीके से सस्ती समर्थती हैं। आइए हम जानते हैं किस तरीके से मनाती हैं आंटी जब करवा चौथ का त्यौहार। सामान खरीद लेते हैं, पीछे लेते हैं और सामान किस तरीके से मनाते हैं? पूजा करते हैं, सजने सजते हैं, साड़ी पहनते हैं, मेकअप करते हैं, पूजा करते हैं, पति की पूजा करते हैं। मतलब केवल सजना सवरना मेकअप करना ही क्या, इसी से ही पूजा करते हैं? मतलब केवल पति की आरती उतारने से ही क्या मतलब व्रत पूरा हो जाता है? हाँ। अच्छा, तो आइए हम जानते हैं और महिलाओं से पूछते हैं कि क्या है करवा चौथ, आखिरकार किस तरीके से मनाती हैं और देखते हैं इस तरीके से क्या उत्सुकता है त्यौहार को लेकर के। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते मैम, किस तरीके से आप करवा चौथ मनाती हैं? पति की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं, पर क्या क्या करती हैं आप? सारा श्रृंगार करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
पति की आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए। अच्छा आंटी जी एक बात बताइए, जो आप करुए खरीदती हैं, जो सास बहू का जो कहते हैं लड़ाई झगड़ा भी होता है, प्रेम का भी मतलब रिश्ता होता है सास बहू का, लेकिन जब करवा चौथ का त्यौहार आता है तो मतलब सास बहू का जो लड़ाई झगड़ा है वो उस समय प्रेम झलकता है। जब करवा चौथ का त्यौहार आता है, सास के हम पैर छूते हैं आप लोग और है ना उनको बायना मंस दिए हैं, तो क्या उस तरीके उस विषय में क्या कहना चाहेंगी आप? उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगी। ठीक है कोई बात नहीं है, ये आंटी जी उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगी। आइए अब यहाँ के एक दो लोगों महिलाओं से और पूछते हैं कि करवा चौथ को लेकर के क्या विचार है उनके। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। करवा चौथ को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? ये कहने चाहेंगे आप व्रत रहेंगे हम और क्या है। अच्छा आंटी जी एक बात बताइए, जो आप करुए खरीदती हैं, जो सफ़ेद वाले करुए खरीदती हैं, जो मिट्टी के खरीदती हैं, उनका क्या महत्व है? ये महत्व है क्योंकि है ना करवा चौथ पे इसलिए अपनी सास को चाहे जिठानी को नंद को दिया जाता है मंस कर, और मतलब जिसके पति होते हैं उन्हीं को ही मंस देते हैं। अच्छा जैसा कि हमारी आंटी हैं इन्होंने बताया कि जो करुए हाँ और जोड़े से ही मन से जाते हैं, सिंगल नहीं। अच्छा तो ये सास नंद को क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या परंपरा है? इसकी परंपरा ये है कि हम अपने हस्बैंड के लिए व्रत रहते हैं तो अपना ये कर्तव्य है अपनी सास को चाहे नंद को देना चाहिए, अब इसके लिए हमें व्रत रखना जरूरी है क्योंकि देना चाहिए इसलिए उचित रखते हैं हम चीज़ को, व्रत है हमारा इसलिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं बता रही हैं कि सास नंद को जो बायना मनसा जाता है महिलाओं द्वारा, वो सास नंद को दिया जाता है, जिठानी को दिया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूजनीय होते हैं ससुराल में, तो महिलाएं अपने सास नंद को ही देती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बाहर कितने तरीके की रौनक है और कितना श्रृंगार का सामान यहाँ पे बिक रहा है, आप देख सकते हैं तरह तरीके के मंगलसूत्र हैं, और यहाँ पे हम दुकानदार भैया हैं उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की उनकी दुकानदारी है और किस तरीके का हाल है उनका, और अभी जो दुकानदारी का किस तरीके का माहौल चल रहा है। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। दुकानदारी तो कर कम हुई है, बाजार कम चल रहे, त्यौहार हल्का है, लेकिन आपकी दुकान पर तो बहुत खचाखच भीड़ लगी हुई है, आप कह रहे हैं हमारी दुकानदारी कम हो रही है? पुराने ग्राहक है इसलिए हमारे पास ही आते हैं सब लोग। अच्छा सारे ग्राहक आपके पुराने ही हैं? नहीं है। अच्छा आंटी जी आप पुरानी हैं? हाँ, पुराना है, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा आंटी जी आप पुरानी हैं? कितने नहीं? अच्छा तो देख सकते हैं कि हमारे जो भैया हैं ये बता रहे हैं इनका दुकान का सीजन अब की बार कम रहा है और किस और दुकानदारी उनकी कम हो रही है कि किस तरीके से, क्योंकि उनके पुराने ग्राहक हैं। और आंटी जी नमस्ते। आंटी जी क्या खरीदारी करने आई हैं आप? फॉल अस्तर लिए। फॉल अस्तर करवा चौथ को लेकर के क्या तैयारी करी है आपने? करवा चौथ की तैयारी करके सब तैयारी करी है करवा चौथ की, सब तैयारी हो गई। आंटी जी आप ये सीखे हैं आपके यहाँ खरीदते होंगे ना, ये सीख है, ये पूजा की सीख है, इन सीखों को क्यों खरीदते हैं, मतलब किस तरीके से इनको पूजा में इस्तेमाल करा जाता है? अर्घ देते हैं पति के लिए, अर्घ देते हैं, तो किस तरीके से अर्घ देते हैं? सूज महाराज। अच्छा जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थानीय महिलाएं जो बता रही हैं सीखों का प्रयोग अर्घ देने के लिए करती हैं पति की दीर्घायु के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे दुकानदार भैया हमें फिर से बुला रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो अपने उद्बोधन में। किसकी दुकान से खरीदारी चल रही है? आंटी जी किसकी दुकान से खरीदारी कर रही है? लंगड़े भाई की दुकान से। किसकी? लंगड़े भाई की। अच्छा लंगड़े भाई की दुकान से खरीदारी कर रही हैं। दुकान है ये। कब से खरीदारी करती आ रही हैं आप इस दुकान पे? शादी हुई है जब से यहीं से खरीद रही हूँ। अच्छा तब से आपकी शादी हुई है तब से आप यहीं से खरीद रही हैं। क्या क्या खरीद लिया आपने? मैंने सारा सामान खरीद लिया, सारा श्रृंगार का खरीद लिया, सजने संवरने का सारी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा पूजा की थाली भी खरीद ली, चलनी खरीद ली, दिखाइए चलनी, पूजा की थाली दिखाइए, रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, आंटी देख बता रही है कि इन्होंने सब तरीके की खरीदारी कर चुकी है और सब तरीके की इन्होंने खरीदारी कर ली है, महिलाओं ने सजने संवरने का सारा अपना पूरा इंतजाम कर चुकी है, क्योंकि करवा चौथ करीब ही है आने वाली है तो बाजार में जो भीड़ है वो देखते ही बनती है। खाना के पन्ना में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज हम एतमादपुर में खड़े हैं और त्यौहार का सीजन चल रहा है, करवा चौथ आने वाला है, नारी का श्रृंगार जो कहते हैं ना कि तरीके से नारी का 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, तो आज हम बाजारों में रौनक देखने आए हैं कि देखते हैं किस तरीके की रौनक है। आइए महिला से पूछते हैं कि किस तरीके की अपने त्यौहार को ये मनाती है, किस तरीके की मान्यता है इन लोगों की, आइए देखते हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आप क्या खरीदारी करने आई हैं बाजार में? करवा चौथ का सामान लेने आए हैं। तो करवा चौथ की क्या मान्यता है, मतलब किस तरीके से आप मनाती हैं इसको? पति के लिए लंबी उम्र के लिए बनाई जाती है।
अच्छा तो क्या क्या खरीद लिया अभी आपने? हम साड़ी ले ली और सामान ले लिया, अभी कुछ रह गया वो भी लेंगे। अभी देखिए अब हम कुछ और, इन्होंने साड़ी ली करवा खरीदी, हम कुछ और लोगों से पूछते हैं आंटी क्या कहेंगी करवा चौथ लेकर के? बता दो। ले लिया हमने तो सामान, इन्हें बताया वही ले लिया। अच्छा तो करवा चौथ में क्या क्या मतलब इस्तेमाल करती हैं आप, किस तरीके से मनाती हैं करवा चौथ को? आंटी अच्छा आप बताओ ये सिखों का क्या महत्व है करवा चौथ की पूजा में? ये मतलब जैसे शादी में होता है इसलिए ये करवा चौथ में मनाई जाती है। मतलब किस तरीके से मतलब इन चीजों का किस तरीके से उपयोग करती हो? पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं ना, तो जल में ये प्रयोग दिया जाती है। अच्छा यहाँ जल में चढ़ाने के बाद इसको भामर की तरिया डाली जाती है जी। हाँ तो यहाँ पे हमारी जो स्थानीय महिलाएं हैं उनका कहना है कि जो करुए हैं, जो सीखे हैं, जो सुहाग की निशानी है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके बनाती हैं। आइए हम यहाँ के कुछ दुकानदारों से पूछते हैं कि इनके किस तरीके से यहाँ पे करुए बेचे जा रहे हैं। हम देख सकते हैं ये हमारे जो भारतीय महिलाएं परंपराएं हैं उनके सुहाग की पूजा होती है इस तरीके से। आइए हम दुकानदार से जानते हैं। अंकल जी किस तरीके की आपकी बिक्री हो रही है? बढ़िया हो रही है। बढ़िया हो रही है, इनकी दुकानदारी भी बहुत अच्छी चल रही है। आइए हम देखते हैं कि साड़ी की दुकानों पे क्या हाल है लोगों का। वहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं हैं वहाँ पे इकट्ठी हैं और करवा चौथ की दुकानदारी कर रही हैं, खरीदारी कर रही हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके की उत्सुकता करवा चौथ को लेकर के उनके मन में दिखाई देती है। अंदर जाके पूछते हैं, पता करते हैं। आइए हम देखते हैं करवा चौथ की यहाँ महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, साड़ियाँ खरीद रही हैं। ये एतमादपुर की भोलानाथ जी की मशहूर दुकान है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे ग्राहकों के ऊपर कि किस तरीके का त्योहार को लेकर की उत्सुकता है महिलाओं के मन में। आंटी जी किस तरीके की उत्सुकता है आपके मन में करवा चौथ को लेकर? बढ़िया, अच्छा लगता है। अच्छा आपने खरीदारी कर ली? कर रहे हैं अभी अभी, पसंद कर रहे हैं साड़ी। अच्छा साड़ी पसंद कर रही हैं, तो किस रेंज में पसंद कर रही हैं आप साड़ी? 1000 की मिल जाए, 1500 की मिल जाए, पसंद की बात है। 500 की पसंद आ जाए वो तो कलर की पसंद की ऊपर की बात होती है। आंटी जी इतनी महंगाई है आज आज के जमाने में, और इस समय तो कुछ ज्यादा ही महंगा